ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਖੜ ਦੇ ਸੁਰ ਬਦਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਖੜ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਧੂ ਚਿਹਰਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਤੀਜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣੇ ਸਨ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵਾਈ ਟੂ ਚੇਂਜ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰੇ ਉਦੋਂ ਘੋੜੇ ਥੋੜੇ ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਰਾਜਾ ਜਦੋਂ ਉੱਤਰ ਗਿਆ ਸੀ ਹਾਥੀ 'ਚੋਂ ਲੜਾਈ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਬਾਬਰ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਾਣੀਪਤ ਵਾਲੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਾਥੀ 'ਚ ਉੱਤਰ ਕੇ ਘੋੜੇ ਚੜ ਗਿਆ ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਰਾਜਾ ਭੱਜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਗਦੜ ਪੈ ਗਈ ਚੰਦ ਲੋਕ ਥੇ ਜੋ ਕਾਬਿਲ ਥੇ जिनको मौका अगर दिया जाता तो लोग मैं उनमें से आज चाहे वो बतौर प्रधान नहीं आज मैं समझता हूँ सफल साबित हुए परंतु अगर नवजोत सिंह सिद्धू को भी मौका दिया जाता हो सकता है कि वो सबको साथ लेके चलने की उनका कार्यशैली ऐसी नहीं है परंतु उनके ऊपर करप्शन का इल्जाम नहीं लगता साहब उनके ऊपर बादलों के साथ सांठगांठ का इल्जाम नहीं लगता सीएम के बेहतर मसला ये सबसे बड़ा था मैं समझता हूँ वो बेहतर साबित होते जो बदलाव था बदलाव की जो आंधी चली है इस बदलाव को वो रोक सकते थे उनका जो चरित्र था उनमें ये दो कमियां नहीं है साहब और इन दो कमियों को लेके ये सारा ये जो कुछ हुआ है सारा इसी बात के लिए हुआ है ये जो बदलाव हुआ है कि एक लोगों में परसेप्शन बन गई थी लोगों में एक भावना बन गई थी कि ये जो सरकार है कांग्रेस की 4.5 साल ये बादलों के साथ मिली हुई है और ये जो है करप्शन के अंदर संलिप्त है ये दो इल्जाम इनके ऊपर नहीं लगते थे तो मैं समझता हूँ हो सकता है कि अगर अगर इसी तरह से ये घर में जिस तरह से साथ लेके नहीं चलने की क्षमता हो सकता है ये एक बहुत बड़ी अड़चन आ जाती 4 महीनों में इसके परिणाम देखने को मिलते परंतु ये बदलाव की आंधी को इससे ठहराव लग सकता